Hello friends, I am optometrist Janhavi Raghuwanshi. Welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी आईज को फ्रेश एंड यूथफुल बनाने की कुछ आसान से टिप्स। इस वीडियो में आपके साथ में बहुत ही आसान से तरीके शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप डेली लाइफ में फॉलो करके अपनी आईज को यूथफुल बना सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आईज से सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि हमारी आईज हमारी ओवरऑल हेल्थ को बताती हैं। जैसे कि हम आंखों से काफी सारे डिजीज के साइंस भी पता किए जा सकते हैं, उसी तरह से हमारी एजिंग भी सबसे पहले हमारी आईज से डायग्नोज की जा सकती है। एक इंसान की एज क्या है वो उसकी आंखें देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो आपकी आईज आपकी एज से पहले आपको ओल्ड ना दिखाएं, उसके लिए आपको अपनी आईज की कुछ केयर करने की जरूरत है। ये कुछ आसान से टिप्स फॉलो करने की जरूरत है जिससे आप एकदम फ्रेश आई और यूथफुल आई रखें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में आई से रिलेटेड आई मेकअप, आई हेल्थ, आई डिजीज, आई सर्जरी, ऑप्टिकल से रिलेटेड सारे वीडियो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो जैसे कि हमारी आंखों के जो पास की स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, इसीलिए हमें उसकी खास केयर करने की जरूरत होती है जिससे कि वो एज से पहले डल ना दिखे, एजिंग ना दिखे। तो आइए जान लेते हैं वो टिप नंबर वन जिसे हमें अपनी आईज में कभी नहीं करना, अदरवाइज हमारी आईज एज से पहले डल दिख सकती हैं। तो जैसे कि हम बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, अब फेस पे अक्सर बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, कई बार आप बिना किसी सजेशन के या बिना अच्छे ब्रांड के आप कोई भी प्रोडक्ट फेस पे इस्तेमाल कर जाती हैं। बट आपको ये मिस्टेक अपनी आईज के साथ में नहीं करनी, क्योंकि आईज पर किसी भी क्रीम का साइड इफेक्ट सबसे पहले साथ ही सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। अब कोई भी आई क्रीम यूज करने से पहले उसका अच्छे से प्रॉपर पहले पैच टेस्ट करके देखें, या फिर किसी अच्छी ब्रांड का ही और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग मैच हो, ये सारी जानकारी लेने के बाद ही आप उसे अपनी आंखों के आसपास लगाएं। अदरवाइज ये आपकी आंखों में साइड इफेक्ट कर सकता है जिससे आपके विजन में भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे फेशियल करवाती हैं तो फेशियल में फेस पे काफी मसाज की जाती है, बट आपको आईज के नीचे मसाज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको आईज के पास गलत तरीके से मसाज नहीं करनी, अदरवाइज इससे आईज के पास की स्किन डैमेज भी हो सकती है, उस पर स्क्रैच भी आ सकते हैं जो आसानी से देखे भी जा सकते हैं। तो ऐसे में आप अगर आईज के पास की स्किन की मसाज करना चाहती हैं तो आप बहुत ही हल्के हाथों से एकदम सॉफ्ट हाथों से मसाज करें और बहुत ज्यादा देर तक आप आईज के पास के एरिया की मसाज ना करें, अदरवाइज इससे आपकी आंखों काली भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा जो हम सभी मिस्टेक करते हैं वो है कि हम आई मेकअप प्रॉपर रिमूव नहीं करते हैं। आपको आई मेकअप प्रॉपर रिमूव करना है। पार्टी खत्म होते ही अगर आप बाहर गई हैं तो आने के बाद में आपको आई मेकअप रिमूव करना है, और उसके बाद में आपको आईज को अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद ही आप सो सकती हैं। मेकअप कभी भी लगा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ही हमारी आईज के जो पास की स्किन होती है उसे ब्लैक कर देता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फेस पे स्क्रब करते हैं तो आप स्क्रबिंग आईज के पास बिल्कुल ना करें, बिकॉज स्क्रबिंग से हमारी फेस की स्किन भी रेड पड़ जाती है, तो हमारी आईज के जो पास की स्किन है वो डैमेज होने का काफी रिस्क होता है। साथ ही
इसके जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी रैप्चर होने का रिस्क होता है, तो आप स्क्रबिंग तो बिल्कुल ना करें। फेस पे आप कर सकती हैं, बट आपको आईज के पास नहीं करना। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो है कि आप जब भी बाहर जाएं आपको हमेशा सनग्लासेस पहन के ही जाना है, बिकॉज जो सनलाइट होती है, यूवी रेस होती हैं, हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। इसके अलावा हमारी आईज की जो स्किन होती है वो वैसे ही थिनेस्ट स्किन है, तो ऐसे में हमारी आईज के जो पास की स्किन होती है वो आसानी से डैमेज हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि आप कभी भी बिना सनग्लास के बाहर ना निकलें, इससे आपकी आईज की जो स्किन है वो डैमेज हो सकती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर सकती हैं एंड अपनी आईज को फ्रेश एंड यूजफुल बना सकती हैं। आप सभी कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही आपको किस न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकती हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर आईज।